खबर स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। क्यों शहबाज बहुत रोए, यह खबर आपको बताएं। दरअसल पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तीन इलाकों में खूनी घमासान मच रहा। डेरा गाजी खां, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते 24 घंटे के अंदर दो बड़ी आतंकी घटनाएं और खूनी मुठभेड़ हुई, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह दहला दिया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी डींगी हाँक रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घुटनों पर नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के होश उड़ गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। बीते 10 सालों में चीन के नागरिक दुनिया में इतनी बेरहमी से कभी कहीं नहीं मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में शांगला इलाके में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में कई चाइनीज नागरिक मारे गए हैं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे हालात बड़े खराब थी और बाद में जो है लोकल अलगार लोग पहुंचे ताउन के लिए, फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम भी आई है और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए। तो जब हमें पता चला जी कि ये चाइनीज के ऊपर ये धमाका हुआ है, चाइनीज की गाड़ी के ऊपर, और उसमें जो है 5 लोग है जहाँ भाग हुए, तो ये चाइनीज जो है ये दसू डैम के ऊपर दसू डैम में काम कर रहे थे। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद के पास पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि शांगला के बेशम शहर में उस गाड़ी पर हमला हो गया जिसमें चीन के नागरिक बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी पूरी गाड़ी उस वाहन में ले जाकर टकरा दी जिसमें चीन के 5 इंजीनियर बैठे हुए थे। ये सभी चाइनीज इंजीनियर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। जैसे ये हमला हुआ, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। पाकिस्तान हर रोज एक नए जख्म का आदि हो चुका है। पूरी दुनिया में कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की चर्चा हो रही थी। ये चर्चा खत्म ही नहीं हुई कि अब पाकिस्तान में नए आतंकवादी हमले की चर्चा शुरू हो गई है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के सभी जख्मों का हम सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में नौसैनिक अड्डे PNS सिद्दीकी पर आतंकियों के हमले के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने डींगे मारते हुए कहा कि हमला 25 और 26 मार्च की रात को हुआ और तुरंत एक्शन लेते हुए हमले को नाकाम कर दिया गया था और 4 आतंकवादियों को मार दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने अपनी झूठी ताकत का वर्णन करते हुए इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी कि फ्रंटियर कोर के 24 साल के जवान सिपाही नुमान फरीद को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। नुमान फरीद मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में कार्यरत था। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए तुर्बत में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। नौसेना बेस पर हुए इस हमले के एक हफ्ते पहले ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर भी हमला हुआ था। लगातार आतंकवादियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों की सराहना कर रहे हैं। अजीम कुर्बानियों के बाद और बेपना तवानाइयां खर्च करने के बाद और वसाइल खर्च करने के बाद इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिये से कम नहीं। अब दोबारा इसका सर कुचलने के लिए हमारे यही शहीद और गाजी हथेली पर जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेरा गाजी खान में भी भारी खूनी गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना खोज खोज कर विद्रोहियों को मारने में जुटी है।
पाकिस्तान ने तब यह दावा किया था कि इन हवाई हमले में तहरीके तालिबान के आतंकी कमांडर मारे गए थे, लेकिन तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया था कि हवाई हमलों में 8 नागरिक मारे गए थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। इसके बाद में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की थी कि अफगान सेना ने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। झड़प में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी मारा गया, जबकि 3 सैनिक और 4 नागरिक घायल हो गए। अफगान सेना के एक सैनिक की भी इसमें मौत हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइनीज नागरिकों पर हमले करती रहती है। चीन का ही ये बयान था कि 2008 और 2009 में पाकिस्तान में चीनी राजनयिकों के अपहरण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 नवंबर 2018 को क्लिफ्टन कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। 21 अप्रैल 2021 को क्वेटा में पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी तालिबान ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था। बमबारी के दौरान नोंग रोंग होटल में थे, लेकिन वो बच गए। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में एक बम विस्फोट में 9 चीनी मजदूरों की मौत हो गई। ये हमला तब हुआ जब विस्फोटक ले जा रहा एक वाहन चीनी इंजीनियरों को एक निर्माण स्थल पर ले जा रही बस से टकरा गया। 20 अगस्त 2021 को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में चीन के नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। इसमें 2 बच्चे मारे गए थे। 26 अप्रैल 2022 को कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 3 चीनी अधिकारी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे। चीन के नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बलूचिस्तान दोनों के विद्रोही गुटों का हमला झेलना पड़ रहा है। तहरीके तालिबान इसलिए चीन के नागरिकों पर हमले करता है क्योंकि चीन के अंदर उइंगर रीजन में मुसलमानों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन इसलिए चीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि चीन सीपैक के माध्यम से बलूचिस्तान के अंदर निर्माण करवा रहा है और वहां पर अपना स्थायी कब्जा बरकरार रखने की योजना पर काम कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में पुतिन के महाक्रोध के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि मॉस्को अटैक का कंधार कनेक्शन होने की खबर सामने भी आ रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले कंधार के एक बैंक को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था और इसकी जिम्मेदारी खुद ISIS खुरासान ने ली थी, और इस अटैक में 30 लोग मारे गए थे। ISIS खुरासान वही आतंकी संगठन है जिसने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर मॉस्को को लहूलुहान कर दिया था। देखिए इस पर रिपोर्ट। कंधार सुसाइड अटैक का मॉस्को कनेक्शन। यह धमाका मॉस्को से 5,259 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के कंधार में हुआ, लेकिन अब इस सुसाइड अटैक का कनेक्शन मॉस्को अटैक से जुड़ता जा रहा है। शायद यही वजह है कि मॉस्को अटैक के बाद पुतिन जब भी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने एक बार हमेशा दोहराई, Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. हम पुतिन की नई धमकी, उनका गुस्सा, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कंधार सुसाइड अटैक का कनेक्शन मॉस्को अटैक से कैसे जोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरा हुआ बैग लेकर बैंक के अंदर पहुंचता है। हमलावर विस्फोटक से भरे बैग के साथ नीचे बैठता है और उसके बाद अपने शरीर में लगे विस्फोटक के साथ बेल्ट का आत्मघाती बटन दबाकर खुद को उड़ा लेता है। 21 मार्च को कंधार के काबुल बैंक के सामने आत्मघाती हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान में काम करने वाले सैकड़ों सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे।
आत्मघाती हमले के दौरान लगभग 30 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। अफगान की तालिबान सरकार ने तुरंत ही आतंकी की तस्वीरें भी जारी कर दी। यह हमला आतंकी संगठन आईएसआईएस ने किया। हमलावर उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। आतंकी का नाम असद बेक मदियार रो था। असद ने सेंट पीटर्सबर्ग से पढ़ाई की थी। असद बेक 2021 में आईएसआईएस के में भर्ती हुआ था। आईएसआईएस के ने बड़ी वारदात करने के लिए काबुल भेजा। видим также что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमला आईएसआईएस ने किया है, लेकिन किसके कहने पर किया है, किसने इस हमले के लिए आतंकियों को पैसे दिए, इसकी जांच के लिए रूस की जांच एजेंसी एफएसबी ने दिन रात एक कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब सच सबके सामने होगा। उस दिन पुतिन क्या कहेंगे, यही सोचकर दुनिया के देशों की धड़कने बढ़ चुकी है। Обстрелы, в том числе используя системы залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि आईएसआईएस और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में रूस की बढ़ती भागीदारी, खासकर सीरिया में रूस का सैन्य अभियान भी मॉस्को हमले की बड़ी वजह है। इस हमले पर नजर रख रही भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक मॉस्को हमले में शामिल आतंकी तहरीके तालिबान TTP से अलग हुए लड़ाके ही हैं, जो अबू बकर अल बगदादी के विचारों से प्रभावित हैं। इन्हीं लड़ाकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आईएसआईएस खेरसोन मॉड्यूल के नए मॉड्यूल को बनाया है। मॉस्को हमले पर निगाह रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियां भी अब एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ के अनेक राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अनेक युवाओं को इस बाबत ऑनलाइन रेडिकलाइज किए जाने के बारे में इस गुट की भूमिका की जानकारी मिली है। ईरान और अफगानिस्तान से बाहर इस गुट का मॉस्को में किया गया हमला सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हमले की जांच में लगी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि मॉस्को हमले में शामिल आतंकी आईएसआईएस खेरसोन के पाकिस्तान सेंटर के बड़े नेताओं से हमले के लिए लगातार ऑर्डर ले रहे थे। यही वजह है कि हमले के बाद तालिबान प्रशासन ने आईएसआईएस की भूमिका का जिक्र करते हुए मॉस्को हमले की आलोचना की, जिसके बाद तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन के चीफ को तलब किया और वहां के हालात की जानकारी ली। ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक स्टेट ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को निशाना बनाया है। रूस के हाल के कुछ सबसे बड़े आतंकी हमलों में आईएसआईएस शामिल रहा है। 2015 में आईएसआईएस ने रूस के विमान पर हमला किया। इस हमले में 224 यात्रियों की मौत हो गई। 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में बम विस्फोट किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित आईएस की ब्रांच ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से रूस को निशाना बनाया है। रूस की सुरक्षा सेवा एफएसबी ने 7 मार्च को ही मॉस्को के पास कलुगा क्षेत्र में एक संभावित हमले को रोका था। सवाल है कि आईएसआईएस रूस की बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है, तो इस सवाल का जवाब आपको इतिहास के कुछ पन्नों में मिलेगा। आईएसआईएस के रूस को निशाना बनाए जाने में सीरियाई गृह युद्ध की भूमिका सामने आती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप कर विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति बसर अल असद का समर्थन किया था। ऐसा करके पुतिन ने सीरियाई गृह युद्ध का रुख बदल दिया था। और यहीं से आईएस रूस के पीछे पड़ गया। ताजा हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है।
जिसका असर रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी पड़ा है। यूक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कंगना वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत की बारी है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक विवादित पोस्ट से शुरू हुई जुबानी जंग अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। कंगना की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पूछा गया एक सवाल इस कदर वायरल हुआ कि उस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कंगना वर्सेस सुप्रिया विवाद की हकीकत क्या है और जानिए सुप्रिया श्रीनेत की सफाई कंगना को कबूल क्यों नहीं। और मच गया बाबा। तस्वीर कंगना रनौत की थी, सवाल कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, लेकिन हंगामा इस कदर मचा है कि सियासत में तल्ख बयानों की सुनामी उठने लगी। सुप्रिया श्रीनेत के कथित विवादित पोस्ट पर कंगना ने खुद मोर्चा संभाला। पार्टी के दिग्गज उनके साथ नजर आए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बैकफुट पर जाना पड़ा, मगर सियासत जारी है। अभी कंट्रोवर्सी का विस्तार भी तय है, क्योंकि कंगना पंगा लेने से कभी पीछे नहीं हटती। सुप्रिया श्रीनेत को भारी टक्कर मिल रही है। विवादित पोस्ट पर सुप्रिया की मुसीबत भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला उछल गया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया के तर्कश से निकले विवादित तीर ने हिमाचल बीजेपी के नेताओं को तिलमिला दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। वहीं मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला है। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है, जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। सुप्रिया श्रीनेत की इस सफाई पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। सुप्रिया के पैरोडी अकाउंट वाली दलील को भी अमित मालवीय ने ट्वीट कर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस विवाद से दूरी बना रखी है। जो सुप्रिया श्रीनेत का पक्ष ले रहे हैं उनकी बातों में भी ज्यादा वजन नहीं दिख रहा। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोज हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं।
वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। चुनावी माहौल में वायरल हुई इस पोस्ट का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दा 24 के चुनाव में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा और सम्मान की मुहिम को धार दे रखी है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी पर बखेड़ा तो बड़ा ही होगा। इससे अलग कंगना रनौत के मंडी सीट पर चयन की वजह को भी समझना होगा। आखिर बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट पर ही क्यों टिकट दिया। मंडी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। आज़ादी के बाद से यहां पर 17 बार लोकसभा चुनाव भी हुए हैं और हमेशा ही राज परिवार का दबदबा यहां पर देखने को मिला है। 17 में से 11 बार कांग्रेस ने यहां पर सीट जीती है, जबकि 5 बार बीजेपी और 1 बार यह सीट अन्य के खाते में गई है। 19 के चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने यहां जीत दर्ज की थी, वो भी प्रतिभा सिंह के खिलाफ। जबकि अनुमान लगाया जाता है कि मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में SC उम्मीदवार के रूप में गोपी राम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण रहा है। कुछ मौके ऐसे भी आए जब दो राजपूत चेहरे आमने सामने थे। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए कंगना को चुना है। मंडी जनपद में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो मंडी से ही जीती थी। मंडी से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनके ऐलान के बाद बीजेपी की लिस्ट में कंगना का नाम आया। हालांकि एक बार फिर प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अगर वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कंगना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजनीति के दंगल में कंगना का सितारा बुलंद होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कंगना के विवादों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। फिल्म हो या राजनीति, कंगना खुलकर अपने विचारों को रखती रही हैं, जिसके चलते वो अक्सर विवादों में बनी रही। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी के बाद कंगना निशाने पर आ गई थी। BMC ने पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया था। दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में पहले फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से पहले कंगना को कर्णी सेना की तरफ से चेतावनी मिली थी, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना के मुखर बयान रहे हो या फिर महात्मा गांधी पर विचार, सब पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन इस दफे कंगना की तस्वीर पर सवाल पूछकर सुप्रिया श्रीनेत ने मुसीबत मोल ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस विवाद में दखल दिया है। NCW ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। NCW ने सुप्रिया के साथ HS अहीर को भी निशाने पर लिया है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है, और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। वायरल पोस्ट विवाद से बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना का ब्लॉकबस्टर सियासी आगाज तो हो गया है। अभी चुनावी संग्राम में कंगना कितना जौहर दिखा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए आपको स्पेशल रिपोर्ट में अब मथुरा लेकर चलते हैं, जहां की लठमार होली तो आपने देखी होगी, लड्डू मार होली भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अजमेर की भाभियों की होली दिखाने जा रहे हैं, जिसे कोड़ मार होली भी कहते हैं। बड़ी सी कढ़ाई में भरा गया ये पानी
और पानी में मिलाया जा रहा रंग। ये तैयारी है देवरों की, जिनको इंतजार है अपनी भाभियों का, और भाभी के साथ कोड़े मार होली खेलने का। अजमेर के ब्यावर में जीनगर समाज नव युवक मंडल की ओर से देवर भाभी के प्रसिद्ध कोड़ा मार होली का आयोजन किया गया, जिसका शहरवासियों ने जमकर आनंद लिया। कोड़ा मार होली को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। आयोजन स्थल के आसपास लोगों ने छतों पर इकट्ठा होकर आयोजन का आनंद लिया। इस अनूठे आयोजन के लिए शहर के बीच पाली बाजार में बड़े बड़े कढ़ाओं में भरा रंग और डोलचियों से भाभियों पर रंग उड़ेलते देवर और देवरों की पीठ पर कोड़े बरसाती भाभियां नजर आई। ये एक अपने आप में अनोखा ही दृश्य था। आयोजन के तहत युवक युवतियों पर कढ़ाओं में भरा रंग डोलचियों में भरकर उड़ेल रहे थे, वहीं भाभियां अपने हाथों में कोड़े लिए देवरों की पीठ पर मार रही थी। रंगों से भीगी हुई भाभियां जैसे जैसे देवरों की पीठ पर कोड़े लगा रही थी, वैसे वैसे कोड़ा मार होली का माहौल अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा था। इस दौरान पूरा पाली बाजार रंग से तरबतर हो गया। कोड़ा मार होली के इस अनूठे आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवर भाभी को समाज की ओर से सम्मानित भी किया गया। वर्षों से चला आ रहा यह आयोजन प्रदेश भर में विख्यात है। कोड़ा मार होली शुरू होने से पूर्व आयोजन स्थल तक लाई गई ठाकुर जी की सवारी को पुनः गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुँचाया गया। न्यूज 18 के लिए ब्यावर से अशोक सिंह भाटी। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।